CBS Senior Secondary School, Tabiji, लेकर आए हैं online classes from pre-primary to class 12 for all subjects. 100% first division in 10th board. 50% discount for girls. DBS Senior Secondary School, near Tabiji Farm Road, Ajmer. जी भैया बताइए आज आपने क्या किया. आज हम सारे पेरेंट्स यहाँ पे रायन इंटरनेशनल स्कूल अजमेर जो कोटरा के अंदर स्थित है वहाँ पे एकत्रित हुए हैं. हम सभी पेरेंट्स हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है कि स्कूल प्रशासन जो है वो फीस के लिए लगातार दबाव बना रहा है. पिछले साल जो फीस थी उस फीस के मुकाबले इन्होंने आज कम से कम 20% की फीस के अंदर वृद्धि कर दी है. और इसके अलावा ये लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, और सिर्फ जिन बच्चों ने एक दो ऑनलाइन क्लासेस ली है उसकी चीज़ के लिए भी ये लोग कह रहे हैं कि पूरी फीस जमा कराइए. इसके अलावा इन्होंने जो बुक्स अवेलेबल करा रखी है वो प्राइवेट पब्लिशर की बुक इन लोगों ने अवेलेबल करा रखी है, जबकि ये CBSE रूल्स अफिलेटेड स्कूल है और वहाँ पे NCERT की बुक्स चलनी चाहिए, जबकि इन्होंने प्राइवेट पब्लिशर की बुक दे रखी है जिसकी कॉस्टिंग करीबन ये 5,000 से 6,000 रुपये बच्चों से वसूल रहे हैं. इसके अलावा जब यहाँ से हम लोगों ने जैसे पुरानी जो बुक्स हैं वो हम लोगों ने अरेंज कर ली, तो यहाँ से ये दबाव बनाया जा रहा है कि बुक का नया सेट यहाँ से लेना पड़ेगा, पुरानी बुक्स यहाँ पे नहीं चलेगी. नोटबुक ये लोग हमको प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पूरा सेट ही हमको यहाँ से लेना पड़ेगा. वर्तमान शिक्षा विभाग से क्या मांग है आपकी? हमारी वर्तमान शिक्षा विभाग से ये मांग है कि ये जो 3 महीने के अंदर जो इस लॉकडाउन के अंदर और जो इस महामारी के कारण सभी को आर्थिक क्षति हो रही है उसके कारण हमारे लिए मुश्किल हो गया है कि हम सभी पेरेंट्स 3 महीने की फीस भर पाएँ, क्योंकि हमारा बच्चा 3 महीने से स्कूल नहीं गया और आगे आने वाले टाइम में भी बच्चा स्कूल जाएगा या नहीं जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है. स्कूल से आपको क्या जवाब मिला? स्कूल से हमें कोई भी जवाब नहीं मिला. हम लोग पिछले 1.5 घंटे से यहाँ मौजूद है स्कूल के अंदर. जो एडमिन मैम है, अकाउंटेंट मैम है और जो रिसेप्शनिस्ट है वो बैठे हैं. पहले तो गार्ड ने हमें अंदर नहीं जाने दिया, उसके अलावा हम लोग जब अंदर चले गए तो उसके बाद वो लोग न तो बाहर आ रहे हैं और ऊपर से यही बोल रहे हैं कि आ रही है मैम, बट हमें कोई किसी भी तरह का कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला है अभी तक स्कूल से. आपका नाम? अभिषेक शर्मा, अजमेर. जी मैम बताइए आज आपने क्या किया. मैं रायन इंटरनेशनल स्कूल के बाहर 1.5 घंटे से हम पेरेंट्स खड़े हुए हैं. इस स्कूल को हमने आज से 4 दिन पहले भी एक एप्लीकेशन दी थी, तब हमें ये कहा गया कि मैम एक आप मेल कीजिए. हमने मेल करा, ना कोई एप्लीकेशन का जवाब ना कोई मेल का जवाब. आज वापस हम सब पेरेंट्स ने ज्ञापन दिया लेकिन 1.5 घंटे से स्कूल ने से कोई बाहर नहीं आया. एंड प्रिंसिपल को कहा, बुलाने को बोला गया तो वो बाहर नहीं आई हैं. और हम लोगों ने इस स्कूल में इसलिए सब इकट्ठे हुए हैं क्योंकि इस स्कूल ने 17% फीस इस लॉकडाउन के टाइम के अंदर बढ़ाई है. एंड अपनी पब्लिशर्स की बुक, प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक को चलाते हैं जिसका कॉस्ट कम से कम 6 से 9 हज़ार रुपये के बीच में पड़ता है. हम लोगों का ये कहना है इस स्कूल से कि आप NCERT की बुक चलाइए, प्राइवेट स्कूल की बुक्स को बंद, प्राइवेट पब्लिशर की बुक को बंद करिए, और सबसे बड़ी बात जो 3 माह की फीस आप माफ़ करिए. ठीक है, आपका नाम?